बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात इनामी गैंगस्टर काला जठेरी को गिरफ्तार कर लिया। काला जठेरी की सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब पुलिस भी तलाश कर रही थी। 7 लाख रुपए की इनामी अपराधी काला जठेरी के साथ उसकी गैंगस्टर गर्लफ्रेंड अनुराधा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अनुराधा पर हत्या की कोशिश, अपहरण और फिरौती के संगीन इल्जाम। 10,000 रुपए की इनामी अनुराधा की क्राइम कुंडली का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अनुराधा कुछ साल पहले राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की गर्लफ्रेंड थी। उसके एनकाउंटर के बाद अनुराधा काला जठेरी की गर्लफ्रेंड बन गई थी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों लोग भले ही पहली नजर में आपको खतरनाक न लगे, लेकिन इन दोनों की क्राइम कुंडली जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको इनके जुर्म का पूरा चिट्ठा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन दोनों के नाम जान लीजिए। ये शख्स है संदीप उर्फ काला जठेड़ी, और उसके बगल में जिस महिला का मुंह कपड़े से ढका हुआ है उसका नाम है अनुराधा। दोनों के सिर पर कितना इनाम है अब जरा ये भी जान लीजिए। काला जठेड़ी पर 7 लाख रुपए का इनाम था और अनुराधा 10,000 रुपए की इनामी लेडी डॉन है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी और अनुराधा को गिरफ्तार किया है। काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब पुलिस को चैन की सांस आई होगी। काला जठेड़ी और अनुराधा की जोड़ी कितनी खतरनाक है उसका अंदाजा आप उनकी सुरक्षा में लगे दिल्ली पुलिस के जवानों से लगाइए। इन दोनों कुख्यात क्रिमिनल जोड़ी के लिए दिल्ली पुलिस की स्वाट कमांडो की टीम लगाई गई थी। दोनों को कोर्ट तक ले जाने के लिए पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी का इंतजाम किया गया था। गैंगस्टर काला जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा कितने खतरनाक है अब जरा ये भी जान लीजिए। अनुराधा उर्फ मैडम मिंज का अपराध की दुनिया से पुराना नाता है। इसने राजस्थान में अपने अपराध की शुरुआत की थी, लेकिन अब उसका क्राइम नेटवर्क उत्तराखंड तक फैल गया था। अनुराधा पर फिरौती मांगने और गोली चलाकर डराने, धमकाने, अपहरण और हत्या में शामिल होने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। आप देख सकते हैं काला जठेड़ी जो कि दिल्ली समेत पूरे NCR का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, उसको स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने पकड़ा है। उसके साथ में ही अनुराधा है, अनुराधा चौधरी, जो कि कभी आनंद पाल की जो प्रेमिका बताई जाती थी, और यही फिलहाल जो है काला जठेड़ी का पूरा गैंग जो है वो चला रही थी। अनुराधा राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की गर्लफ्रेंड थी और सालों तक आनंद पाल सिंह के साथ रहकर क्राइम की ABCD सीख रही थी। कहा जाता है कि अनुराधा की वजह से आनंद पाल आर्थिक रूप से मजबूत हुआ था और अनुराधा के कहने पर ही आनंद पाल अपने फैसले लेता था। अनुराधा का दिमाग और आनंद पाल की ताकत के सामने राजस्थान सरकार और पुलिस कई वर्षों तक परेशान रही। आज से 4 वर्ष पहले जून 2017 में आनंद पाल सिंह का राजस्थान में एनकाउंटर हो गया था, जिसके बाद अनुराधा फरार हो गई थी और बाद में आनंद पाल की गैंग की मुखिया बन गई थी। 5 वर्ष पहले अनुराधा को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2 साल की सजा काटने के बावजूद उसने क्राइम की दुनिया छोड़ी नहीं बल्कि अपराध के दलदल में और धंसती चली गई। आनंद पाल सिंह की मौत के बाद अनुराधा की मुलाकात राजस्थान के एक और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई। लॉरेंस बिश्नोई ने ही अनुराधा की मुलाकात गैंगस्टर काला जठेड़ी से करवाई थी। अनुराधा का नाम सामने आया है, वो काफी वक्त से फरार चल रही थी, राजस्थान पुलिस ने एक बार गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ही वो ये काला जठेड़ी के संपर्क में थी। लॉरेंस बिश्नोई ने दोनों की मुलाकात करवाई थी और उसके बाद से ये अलग अलग जगहों पे ठिकाने बदल कर रह रहे थे। गैंगस्टर काला जठेड़ी से अनुराधा प्यार करने लगी थी।
और उसके साथ लेविन में रहने लगी थी। इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था। उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस रिवॉल्वर, जो किसी और के नाम पे लाइसेंस होगा, उसका भी हम पता कर रहे हैं। काला जठेड़ी और अनुराधा दोनों पिछले 9 महीने से उत्तराखंड के रुड़की में एक फ्लैट में पहचान बदल कर रह रहे थे। रुड़की में दोनों खुद को पंजाबी परिवार का पता कर रह रहे थे, जिसकी वजह से उन दोनों पर आसपास के लोगों को कोई शक भी नहीं हुआ। अनुराधा को क्रिमिनल गैंग को लीड करने का शौक था। पहले आनंदपाल, फिर काला जठेड़ी के गैंग को वही चलाती थी। अनुराधा के बारे में हमको ये पता था कि ये संदीप अलियास काला जठेड़ी से जुड़ गई है, बट हाल फिलहाल में ये इसके साथ है या नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हम गेस एस्टिमेट्स में चल रहे थे, कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर हमारे पास नहीं था। जब तक ये पकड़े गए हैं, या बल्कि मैं कहूँ कि पकड़े जाने के बाद जब सामान की तलाशी हुई है, तो कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे हमको ये विश्वास हुआ कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं थी, लेकिन जब तक ये पकड़े गए हैं तब तक हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्निकल आइडेंटिफायर नहीं था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अनुराधा के इशारे पर ही काला जठेड़ी राजस्थान में जबरन उगाही और हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम देता था। काला जठेड़ी और अनुराधा की गिरफ्तारी से दिल्ली से लेकर राजस्थान और हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक क्राइम के बड़े नेटवर्क पर स्ट्राइक हुई है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गैंगस्टर काला जठेड़ी जितना कुख्यात अपराधी है, उतना ही शातिर भी है। 4 राज्यों में अपराध का नेटवर्क चलाने वाला काला जठेड़ी पिछले साल फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। तब से उसे पुलिस तलाश रही थी। दिल्ली पुलिस के 30 ऑफिसर ने 6 महीने में 10,000 किलोमीटर तक काला जठेड़ी का पीछा किया और आखिरकार ये कुख्यात अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली की अदालत ने काला जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी अब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है और उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे ये पता चल चुका है कि अब उसे अपने कर्मों की सजा मिलने वाली है। काला जठेड़ी को कुछ वर्षों पहले तक अपनी ताकत का कितना गुमान था, उसका अंदाजा इस वीडियो से लगाइए। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस वाले सिर्फ उसकी सुरक्षा में लगे हैं। फरवरी 2020 में फरार होने के 17 महीनों बाद वो गिरफ्तार हुआ। काला जठेड़ी ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस को चकमा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन कानून के हाथों से बच नहीं सका। एनसीआर के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। काला जठेड़ी, जो कि फरवरी 2020 को फरीदाबाद पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था, उसके बाद से ये माना जा रहा था वो विदेश में बैठ के अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, लेकिन एक बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद उसकी लोकेशन सहारनपुर पता चली तो स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने वहाँ जाकर काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। काला जठेड़ी के पीछे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के 30 ऑफिसर लगे हुए थे, जिन्होंने पिछले 6 महीने तक जठेड़ी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई और उसके करीबियों से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस ने जठेड़ी को पकड़ने के लिए 10,000 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसके बाद शुक्रवार को उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश लौटते वक्त सहारनपुर से काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन OP D24 चलाया था। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन का नाम OP D24 क्यों रखा, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के DCP मनीषी चंद्रा से सुनिए। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली है, तो इस ऑपरेशन में हमको और हमारी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत डिफरेंट किस्म का ऑपरेशन था। इसका अंदाज़ा आपको इससे हो सकता है कि हमारी लगभग 30 ऑफिसर एंड मैन
पिछले 15 दिन से लगातार रोड्स पे थे, सड़कों पे थे और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा पीछा किया गया है। जो पीछा किया गया है तो अगर मैं आपसे कहूं कि हम किसी घोस्ट का पीछा कर रहे थे, भूत का पीछा कर रहे थे, तो वो गलत नहीं होगा। काला जठेड़ी ने अपने जुर्म की दास्तान साल 2009 में हरियाणा के सोनीपत से शुरू की थी। तब उसने लूट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद वो गुनाह के रास्ते पर तेजी से भागने लगा। दिल्ली में वो 15 केस में वांटेड है। दिल्ली के बाहर काला जठेड़ी पर 25 मामले दर्ज हैं। बीते 10 महीने में उसने 25 हत्याओं को अंजाम दिया। उसका क्राइम नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक फैला हुआ था। काला जठेड़ी ने पैसों के लिए कत्ल करने वालों की एक पूरी टीम तैयार कर रखी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसकी टीम में करीब 200 शूटर शामिल थे जो एक इशारे पर हत्या को अंजाम देते थे। जठेड़ी ने अपने जुर्म की दुनिया की पूरा स्वरूप ही बदल दिया था। इसने दिल्ली NCR के बाकी गैंगस्टर्स के साथ मिलकर एक ऐसा गठजोड़ तैयार किया था कि अगर हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में अगर कोई काम होता था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती थी, तो एक दूसरे गैंगस्टर के जरिए वो अपनी वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस को शक था कि काला जठेड़ी विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है, मगर काला जठेड़ी देश से ही पकड़ा गया। यानी विदेश से बैठकर गैंग चलाने की बात सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए थी। हालांकि काला जठेड़ी के दो साथी वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा थाईलैंड से, जबकि दूसरा साथी गैंगस्टर गोल्डी बरार कनाडा से गैंग ऑपरेट कर रहा है। यानी जठेड़ी के जुर्म का काला साम्राज्य देश के बाहर तक फैला हुआ है। इसमें एक काली राणा है जो बैंकॉक से हम मान के चलते हैं कि ऑपरेट कर रहा है, एक गोल्डी बरार है जो कनाडा में है, वैंकूवर या टोरंटो साइड में, एक नया नाम मोंटी है जो UK में है। तो ये तीन तो हमको पता है कि उनके साथ इनका एसोसिएशन है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा अलायंस है, 3-4 स्टेट्स का मामला है। तो इसमें अभी टारगेट्स कौन है, कैसे थे, उसके बारे में कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा, अनुचित होगा। काला जठेड़ी के तार छत्रसाल स्टेडियम के पास हुए चर्चित सागर हत्याकांड से भी जुड़े हुए हैं। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी सुशील पहलवान ने उसके भांजे सोनू महाल की पिटाई की थी। उसी पिटाई से पहलवान सागर की मौत भी हो गई थी। इसके बाद काला जठेड़ी ने सुशील को मारने की धमकी दी थी। कुछ दिन पहले जेल में बंद सुशील कुमार ने भी काला से अपनी जान का खतरा बताया था। एक वक्त था जब सुशील और काला जठेड़ी दोस्त थे, मगर छत्रसाल स्टेडियम वाली घटना के बाद दोनों में दुश्मनी हो गई। काला जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा को दिल्ली की अदालत ने 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है। अब दिल्ली पुलिस दोनों से उनके क्राइम नेटवर्क के बारे में पूछताछ करेगी और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जठेड़ी गैंग के कई और सदस्य भी गिरफ्त में आ सकते हैं। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.